विक्की कुकरेजा इनके जनसंपर्क ऑफिस में बीते रविवार को तोड़फोड़ का मामला सामने आया है, जिसमें अब आरोप और प्रत्यारोपों का सिलसिला निरंतर जारी है। ऐसे में आज कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश पाटिल द्वारा पत्र परिषद के दौरान भाजपा द्वारा किए गए आरोपों का खंडन किया गया। हाल ही में पार्षद विक्की कुकरेजा के जनसंपर्क कार्यालय में तोड़फोड़ का मामला सामने आया था, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर झूठी शिकायत दर्ज की गई। साथ ही पुलिस पालक मंत्री नितिन राउत के दबाव में कार्य कर रही है, ऐसा आयोजित पत्र परिषद में कहा गया था, जो गलत है। अगर नितिन राउत के दबाव में शहर की पुलिस कार्यरत होती तो कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता ने अट्रोसिटी के तहत शिकायत दर्ज की तो घटना के 5 दिन बाद भी पुलिस ने जांच कर जानकारी प्राप्त नहीं की, किसी तरह की कार्रवाई पुलिस ने नहीं की। हमने पहले भी बताया था और हमारी पुलिस से भी यही मांग थी पहले कि जिस वक्त ये घटना हुई उसके पहले का वीडियो है, उसके बाद का वीडियो है, बीच का गायब था। इन्होंने अपने मतलब के लिए अपने सीसीटीवी फुटेज सब गायब कर दिए थे, मगर ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। हमने उस दिन भी कहा था कि कहीं ना कहीं से वो फुटेज हमें कहीं ना कहीं मिलेंगे, उसकी कोशिश पुलिस ने करनी चाहिए थी, मगर पुलिस के तरफ से ना होने के बावजूद भी हमारे कांग्रेस के जाबाज सिपाहियों ने उसके पीछे वो लगे रहे उसी दिन से। और आज जो बीच की फुटेज जिसमें यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि किसकी मारपीट की गई, बाबू को और दूसरी महिलाओं को किसने मारा, वो आपको स्पष्ट यहाँ दिखाया गया। उसमें प्रमुख चेहरे पुलिस अपने हिसाब से खुद ही देख लेंगी, सब वहीं की है, सब भाजपा कार्यकर्ता है, पूरे के पूरे भाजपा कार्यकर्ता है, ये हमारे तरफ से आपको बताया जा रहा है। बाकी उनकी सहनिशा जो है वो पुलिस अच्छे रूप से कर लेंगी, क्योंकि ये वीडियो आपके माध्यम से और हम अभी पुलिस कमिश्नर साहब को भी देने वाले हैं। साथियों, हमारा सबसे बड़ा एक यही है आरोप कि अपनी वार्ड में जमीन खिसकती हुई देखते विक्की कुकरेजा जैसे निष्क्रिय नगर सेवक ने यह षड्यंत्र ये कट रचा। आणि सध्याचे विरोधी पक्ष नेता, भाजपाचे मोठे वरिष्ठ नेते, या लोकांचं संरक्षण या आरोपीला आहे काय? आणि त्या लोकांच्या दडपणामध्ये नागपूर पोलिसांनी कारवाई केलेली नाही काय? हे आमचं म्हणणं आहे। मला एक म्हणायचं आहे की त्याच दिवशी एक मार्चला आम्ही सन्माननीय पोलीस आयुक्त यांच्याकडे गेलो, त्यांच्याकडे मागणी केली की या प्रकरणाची निष्पक्षपातीपणे पूर्ण शहानिशा झाली पाहिजे, प्रकरणाची चौकशी झाली पाहिजे आणि जो खरा आरोपी असेल त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे, त्याला अटक झाली पाहिजे। ही आमची रास्त मागणी असताना त्या दिवशीही पोलीस कमिशनर साहेबांनी आम्हाला आश्वस्त केलं होतं की आम्हाला आमच्या पद्धतीने कारवाई करू द्या, आम्हाला एव्हिडन्सेस गोळा करू द्या आणि त्या एव्हिडन्सच्या बळावर आम्ही एक मजबूत केस कोर्टाच्या समोर ठेवणार आहोत, या आश्वासनावर विश्वास ठेवून, नागपूरच्या पोलीस आयुक्तांच्या मतावर आणि विचारावर विश्वास ठेवून आम्ही शांतता बाळगली। त्या दिवसानंतर कुठलंही आंदोलन केलं नाही, अन्यथा आम्ही संपूर्ण विदर्भात आंदोलन करण्याचा इशारा पोलिसांना दिला होता, परंतु पोलीस आयुक्तासारख्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केलेल्या आवाहनावर आम्ही आमचं आंदोलन स्थगित केलं होतं। पण काल जेव्हा 3 मार्चला सेशन जजच्या समोर ही केस ठेवण्यात आली, त्यावेळेस इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर जो ऑन बिहाफ ऑफ गव्हर्नमेंट स्टेट गव्हर्नमेंट करतो, पीपी जो उभा असतो त्यांनी शासनाची बाजू मांडण्याची गरज असते आरोपीच्या विरोधामध्ये, ती खंबीररित्या मांडली नाही आणि शेवटी संध्याकाळी सगळं मॅनिप्युलेटेड सिनॅरिओ हा सगळे हे होती। आणि त्याच्यात आम्ही जो आरोप त्यावेळेस केला होता की स्वतःच्या पैशाच्या बळावर, स्वतःच्या राजकीय पाठबळावर या लोकांनी गरिबावर, दलित शोषित, आदिवासी आणि मायनॉरिटीजच्या लोकांवर अन्याय करण्याचं प्रकरण चालवलेलं आहे आणि दुर्दैवानं या राज्यातले राज्यकर्ते जे CM सारख्या मोठ्या पदावर होते, विरोधी पक्षनेता म्हणून आहे, त्या लोकांनी त्यांना पाठबळ पुरवण्याचं काम केलेलं आहे। याचं कारण मी तुम्हाला सांगतो की इसी के साथ पत्र परिषद के दौरान ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश पाटिल ने कहा कि पैसा, पावर और राजनीति के भरोसे खुद को बचाकर काउंटर अटैक किया जा रहा है, साथ ही झूठी शिकायत दर्ज की जा रही है, जो काफी। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज, नागपुर।